खबर यूपी के सोनभद्र से है, जहां भवनी थाना क्षेत्र के कुंडपान गांव में घरेलू विवाद में पति पत्नी को लाठी डंडे व कुल्हाड़ी से प्रहार कर जान से मार दिया गया। वही घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेते हुए पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए दुद्दी सीएच भेज दिया गया और वहीं आगे की जांच में जुट गई। जानकारी के अनुसार बम्बी थाना क्षेत्र के कुंडपान गांव के विश्रामपुर टोला में हरि नारायण अपनी पत्नी प्रमिला उम्र 38 वर्ष को मामले विवाद में उसके वस्त्र उतरवाकर लाठी डंडे व कुल्हाड़ी से वार कर जमकर मारपीट किया, जिसकी वजह से उसकी पत्नी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। आज बम्बी थाना क्षेत्र के विश्रामपुर गाँव में हरि नारायण उन्ना और उसकी पत्नी प्रमिला के बीच किसी बात को लेकर आपस में कहासुनी होने लगी। इसी कहासुनी के दौरान हरि नारायण ने डंडे से अपनी पत्नी को मार दिया, जिससे घायल हो गई और कुछ देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। घटना की तहरीर प्राप्त करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। क्षेत्र में शांति है, किसी प्रकार की लाइन ऑर्डर की कोई समस्या नहीं। क्या नाम है आपका? कई किस गांव के हैं? यहाँ दुद्धी मर्चरी में आए हैं, एक शव आया है, क्या लगते थे, क्या हुआ है उनको? लड़की हाँ, क्या नाम था और क्या हुआ है उनके साथ, क्या हुआ है कि यहाँ आए हैं आप? लड़की कर रहे डेट कर गए, क्या कारण रहा है, कैसे हुआ है? कुल्हाड़ी से काट के और मार कर। किसने किया है? हरिनर। तो क्या कारण रहा कि ऐसा किया? भगवान ने कहा कारण था, पता नहीं। कितने बच्चे हैं उनके? चार। चार। कितने वर्ष पहले शादी किया था आपने? शादी मान लीजिए ने बड़े लड़की जोड़ लीजिए ने बड़े लड़की 2002 में उसका जन्म है। दो का शादी हो गया, दो बच्चे। तो सजा चाहिए।